नमस्कार, राष्ट्र खबर में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। बात करते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ खबरों की। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा विवादों में घिरे नजर आते हैं, पर आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी छवि कुछ और ही कहती है। देखिए इसके लिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक महंत हैं, भगवा कपड़े पहनते हैं, उनकी छवि एक फायरब्रांड नेता की है। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य लगने लगेगा कि योगी आदित्यनाथ के मठ के अंदर सांप्रदायिकता का कोई कण नजर नहीं आता। पिछले 35 सालों से गोरखनाथ मंदिर के अंदर होने वाला हर निर्माण कार्य एक मुस्लिम व्यक्ति संभालता है, जिसका नाम यासीन अंसारी है। यासीन अंसारी एक ऐसा मुस्लिम व्यक्ति जो पिछले 35 सालों से गोरखनाथ मंदिर के खर्च का हिसाब किताब रखते हैं। बातचीत के दौरान अंसारी ने बताया कि जब योगी यहां आते हैं तब काम के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। मैं उनके घर में आज़ादी से घूमता हूं, उनके किचन में जाता हूं और उनके साथ खाना भी खाता हूं। आपको ये भी बता दें कि मंदिर के आसपास कई ऐसी दुकानें हैं जो मुस्लिम लोग चलाते हैं। बातचीत के दौरान अंसारी ने आगे बताया कि योगी आदित्यनाथ गरीबों की मदद करते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन किस जाति या किस धर्म से है। योगी आदित्यनाथ को गायों से बहुत प्रेम है और मंदिर में 400 गाय रहती हैं और इन सभी गायों की देखभाल भी एक मुस्लिम व्यक्ति ही करता है। राजनीति की दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्र खबर।